नमस्कार, आप सबका स्वागत है। करोड़ों दिलों पर राज करने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण 5 जनवरी को अपना 31वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। दिसंबर 2015 में वो लखनऊ बाजीराव मस्तानी फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंची थीं। इस दौरान उन्होंने फिल्म की शूटिंग के कुछ किस्से शेयर किए थे। उन्होंने बताया था, पिंगा गाने की शूटिंग के दौरान जैसे ही मैं उछलती, मेरी नोजरिंग जमीन पर गिर जाती। बार बार ऐसा होने से मैं पसीने से भीग गई थी। किसी तरह कॉटन से चिपकाकर गाने की शूटिंग पूरी की थी। बाजीराव मस्तानी के प्रमोशन में एक्टर रणवीर सिंह के साथ नवाबी नगरी लखनऊ पहुंची दीपिका पादुकोण ने ये बातें कही थीं। दीपिका ने कहा था, फिल्म बाजीराव मस्तानी मेरे करियर की सबसे मुश्किल फिल्म थी। इसके लिए मुझे तलवारबाजी करनी पड़ी। इसके अलावा जयपुर की गर्मी में स्टंट सीन्स करना बहुत मुश्किल था। ऐसे में पिंगा गाने की शूटिंग के दौरान नाक की नथुन्नी के बार बार गिरने से मुझे पसीना से तर कर दिया। जैसे ही मैं उछलती थी, नथुन्नी गिर जाती थी। काफी मशक्कत के बाद किसी तरह मैं इस गाने को शूट कर पाई। फिल्म में मुझे मराठी भी बोलनी पड़ी, लेकिन मैं कोंकणी जानती थी, इसलिए ज्यादा परेशानी नहीं हुई। एक्शन फिल्में मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने कहा, मैं जल्द ही हॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हूँ। यहाँ के लोग भी काफी अच्छे हैं, बहुत तमीज के साथ बात करते हैं। लखनऊ बहुत ही अच्छा शहर है। यहाँ के कल्चर और खाना दोनों ही अच्छे हैं। मैं यहाँ से बहुत सारे टुंडे कबाब पैक करा कर ले जा रही हूँ, क्योंकि सेट पर लोगों की काफी डिमांड थी।